बेगूसराय सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर मां दुर्गा की प्रतिमा को ममता बनर्जी की शक्ल में बनाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि मां दुर्गा का स्थान कोई दीदी या दादा थोड़े ले सकता है। जो लोग अपने को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं वो सनातन धर्म को नहीं मिटा पाएंगे, लेकिन वो खुद मिट जाएंगे। दरअसल बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाई जा रही है। उसी बीच कई प्रतिमा की शक्ल को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की शक्ल का बनाया जा रहा है, जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है। अब भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने भी इस पर तंज कसते हुए कहा है कि ममता बनर्जी के मिट जाने की बात कही है। आप ही लोग बताइए कि अब दुर्गा का स्थान कोई दीदी या दादा थोड़े ही ले सकता है। जो लोग अपने को स्थापित करने की कोशिश कर रहे होंगे वो सनातन धर्म का वो तुम नहीं मिटा पाएंगे, लेकिन वो मिट जाएंगे। ये आजीविका मिशन जब मोदी जी 2014 में आए उस समय देश में 2,35,00,000 महिलाएं थी, 80,000 बैंक लिंकेज था, 80,000 करोड़। अभी लगभग 7.25 करोड़ महिलाएं हैं और 4,00,000 करोड़ लगभग उनको बैंक लिंकेज है। बेगूसराय में अगर मैं आता हूं तो बेगूसराय में 3,21,000 बहने हैं आजीविका में, जिन्हें दीदी कहते हैं। 564 करोड़ बैंक लिंकेज है। हमने तय किया है डीडीसी के नेतृत्व में, आजीविका के यहाँ हेड के नेतृत्व में, कि 2022-21 मार्च तक 3,21,000 में कम से कम 1 से 1.5 लाख बहनों की आमदनी, मिनिमम 1,00,000 रुपया सालाना उनका हो, उसके लिए उनके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, मार्केटिंग, उस पे चर्चा हुआ है। दरअसल केंद्रीय मंत्री 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में, जहां विकास भवन में डीडीसी और जीविका बहनों और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि जीविका से जुड़ी बहनों को 3 साल के अंदर मासिक आय 10,000 कैसे की जाए, इसको लेकर व्यापक रूप से चर्चा की गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट।